गीता से कैसे बोल रहे हैं? मैं गीता से नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बुद्ध का जो धर्म सूत्र है उस धर्म सूत्र से श्लोक सुना सुना करके गीता बनाया गया है। ब्राह्मण पंडित अकल कहा है जो कि वो पिछले पिछले और ये सारा ब्राह्मण का शास्त्र आज हमारे सामने है। ये रिजर्व नहीं है या आरक्षित नहीं है, हमारे ऐसा शुद्ध नहीं वेद का धाग लगाने का पूरा अधिकार है। और हम अर्थ लगा करके देखते हैं ये इनके सारे शास्त्र जो है जिसमें कुछ असली बात है वो बौद्ध धर्म से आया हुआ बात है। अब बाकी भगोदरा जितना है वो सब ब्राह्मण का कर्म है। ठगवैदी है, ये ठगवैदी मैं पूछता हूँ जय श्री राम के दलाल, तुम्हारा श्री राम के हाथ में धनुष काहे को है? जब श्री राम विष्णु का अवतार है, सृष्टि करता है, पालन करता है, नरसंहार करने वाला है, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, धनुष काहे को रखा है? बताओ, ये हम बुद्धि से पूछते हैं। और हम सभी लंबे जनता का आज एकमात्र कर्तव्य है कि हम अपनी बुद्धि की शरण में जाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि में जाने से हमको चीर हम उसका आत्मा। ये श्री राम जो है, ये श्री राम वाल्मीकि रामायण में इंसान का गोरा, वाल्मीकि रामायण में श्री राम का रंग गोरा। जब शासन यहाँ स्थापित हो गया और यहाँ के हमारे पूर्वज विदेशी को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं हुए तो झट ये धूर्त ब्राह्मण तुलसीदास के द्वारा श्री राम को काला रंग चढ़ा दिया, श्री कृष्ण जी का रंग चढ़ा दिया। ये है गुरु बने, देख लीजिए प्रमाण में लिखी है। उस रामायण में ये ब्राह्मण कहते हैं ये महावीर स्थान है, यहाँ से कोई सुनते हैं पुलिस का एक तो बहुत बड़ा ऑफिसर है वो जो है आना सलाम लिख रहा है। मैं कहता हूँ काहे तुम अपना ये उपड़ का अकल का पट्टा काहे बन रहे हो? अरे महावीर स्थान से जो तुमने निकाला है उसमें बहुत धर्म बहुत धर्म बहुत धर्म। अच्छा कि तुम्हारे आंख के सामने में रोड पर हर जगह बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म शब्द लिखा हुआ है और अकल का पट्टा तुम क्या आंख का बहरा है जो तुम बौद्ध धर्म होता है? अरे बौद्ध धर्म है ये, धर्म का मतलब इसमें ईश्वर नहीं है। ये जितने धर्म है सभी ठगवैदी है। इस्लाम में क्या होता है, पैगंबर एक गारंटी देता है, पैगंबर अल्लाह नहीं है। उसमें सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया पीपल वृक्ष के नीचे। लगभग 300 वर्षों के बाद 250 वर्षों के बाद अशोक ने वहां एक छोटा सा विहार बना दिया। उस समय बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं, नंदी की न पूजा होती थी। गुप्त सम्राटों ने वहां एक बहुत बड़ा विहार बना दिया और उसमें एक मूर्ति स्थापित कर दी। गुप्त सम्राट को सम्राटों के जाने के बाद 600 ईस्वी में शशांक नाम का एक बंगाल का राजा हुआ, उसने बुद्ध की मूर्ति को वहां से हटा दी और उसके बदले शिव की मूर्ति लगा दी। यह उस समय की कहानी है। मुस्लिम जमाने में उसकी अच्छी स्थिति नहीं रही। 1590 में बोधगया में एक मठ की स्थापना हुई खमंडू गिरी के द्वारा। 1590 से अभी तक वह बिहार उसी मठ के अधीन है और जमींदारी प्रथा जाने के बाद भी वह बिहार बौद्धों के हाथ में अभी तक नहीं आया है। बहुत से कांग्रेस के नेता इस संबंध में बोलते रहे करते रहे लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। 1949 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी ने एक विधेयक बनाया, एक कानून बनाया जिसमें चार बौद्ध चार हिंदू और उसके
पदेन सभापति गया के जिलाधीश रखे गए और यह कहा गया कि गया का जिलाधीश हिंदू अवश्य होगा। अब इस कानून में उनकी चालाकी देखिए कि चार हिंदू और चार बौद्ध सदस्य होंगे लेकिन इसका अध्यक्ष एक हिंदू ही होगा, तो इसका अर्थ यह हो गया कि पांच हिंदू हो गए और चार बौद्ध हो गए। और जब पांच हिंदू है और चार बौद्ध है तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हिंदुओं के पक्ष में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उस कानून में यह लिखा हुआ है कि बोध गया का महंत एक सदस्य जरूर रहेगा, अर्थात चार हिंदू सदस्यों में बोध गया से महंत का रहना आवश्यक है। यह गलत कानून, जब बिहार राज्य से जमींदारी कानून टूट गया, जमींदारी प्रथा हट गई, तो भी बोध गया के महंत को जमींदार मन करके बोध गया मठ पर उनका अधिकार मानना यह हमारे संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संघ है। आज की स्थिति में यह बताता हूँ कि यहाँ गया की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी श्रीमती राजवाला बनवाई है, उन्होंने मूर्ति के सामने एक ग्रिल लगवा दी है। इस ग्रिल में सुबह वहाँ एक ग्रिल की स्थापना हो चुकी है। बोध गया मठ का एक पुजारी ग्रिल खोज करके रोज वहाँ बेलपत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, लेकिन बौद्ध उस मूर्ति के पास नहीं जा सकता है। अर्थात इस सरकार ने, सामाजिक न्याय की सरकार ने यह मंदिर हिंदुओं के हाथ में सौंप दिया, मठ के हाथ में सौंप दिया है। इस बात के लिए मुझे बहुत ही दर्द है और मैं यह नहीं चाहता हूँ यह दिशा समारोह तुरंत उसके लिए कोई कार्य करे, लेकिन मुझे खुशी है कि श्री अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन दान देता और यहाँ के आज के सभा के अध्यक्ष पूज्य गुरुजी भरत सहाय नागार्जुन सुरेश गोसाई पूज्य भारतीय महासवी ज्ञानेश्वर जी पूज्य भारतीय बुद्ध गया महापुरुष महाविहार महामंत्री भिक्षु आनंद और सभी पूज्य भारती जी असमान कुछ घंटों के पहले आप उपस्थित रहे थे, आज हमारे श्रद्धावान उपस्थित करवा सकते हैं जो बुद्ध धर्म में आ गए हैं। उन सभी को जो भी सुनने का मौका मिल रहा है उनके प्रति सभी के प्रति एक हर्ष व्यक्त करता हूं। और आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग शोक मनाते हैं। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर का काम था 6 दिसंबर का, उस कारणों को आगे बढ़ाने के लिए लाखों लाखों की तादाद में आज यहाँ पर बिहार की राजधानी सम्राट अशोक की ऐतिहासिक पाटलिपुत्र नगरी में इकट्ठा नहीं हो सके, लेकिन कल इसी बिहार की धरती में करोड़ों की तादाद में इकट्ठा होंगे, ऐसी हमें आशा है। भाइयों बहनों, हम इस बिहार के भूमि में 6 दिसंबर जो आज दिन है, तो 6 नवंबर से हमने भ्रमण प्रचार के रूप को शुरू किया था। रात और दिन लगातार गांव-गांव बस्ती बस्ती में इस आवाज में हमने तेलंगाना में मानवता के उत्थान के लिए, मानवता के अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, उच्चता और नीचता के ज्ञान को समाप्त करने के लिए बाल धम्मा दीक्षा समारोह में आइए। 6 दिसंबर पढ़ना चलिए इस तरह से बड़ी आवाज में जो भी कहा है उसका प्रतिफल आज हमें मिला है।
से कुछ एक बात बहुत इच्छा समारोह के आदर से मुखर को उठा है। बहुत धर्म मानने वाले समाज अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र बुद्ध के संदेशों एवं उपदेशों के आवेश से राजधानी का चप्पा चप्पा गुण था। यह गुण सिर्फ बिहार ही में नहीं पूरे विश्व में सुनाया गया। मैं दीक्षा समारोह सचिव के हैसियत से सभी बहुत धन सम्मानित एवं आज दूसरी दीक्षा देने आए मानव को हम दिल से स्वागत करते हैं। बहुत धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर मानव के लिए सही है। इस ऐतिहासिक मैदान में आप दीक्षा समारोह में आए हुए हैं। सभी बहुत धर्म भाइयों एवं बहनों को फिर से हम स्वागत करते हैं। यहाँ सरकार के मुख्य श्री रविन्द्रनाथ यादव को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें दुर्गा के लिए गांधी मैदान लेकर आयोजन करने का मौका दिया। दूसरी ओर यहाँ के सभी पत्रकार भाइयों एवं देश विदेश के पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद देते हैं। मानव का बहुत धर्म के बारे में महाबली महाविहार भूमि आंदोलन के तरफ से आप लोगों को विनती करता हूं। हम महाबली महाविहार आप लोगों के प्रमुख पवित्र स्थान है, उसको आप लोगों ने मुक्ति करना राजनी जिम्मेदार बनाया है। अभी तक महाराष्ट्र कश्मीर उत्तर प्रदेश दूर दूर से आगे थे, आज आप लोगों के विद्यालय से गर्व से नारंग से खतर से हर स्थान में उत्ता बनाया है। इसलिए मुक्ति आंदोलन का जिम्मेदार अभी बिहार के उत्तरों के खंडे में ढूंढ रहा है, ऐसा जिम्मेदार रखना चाहिए। इसके लिए खास सारे सात थर को बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव साहब के पास में मोर्चा निकालेंगे। खार समझे और सुनो एक दिन आदरी पूजा में आओ, आदरी पूजा में एक दिन और दिवस करें और जरवदे संचा की अभिवाद के लिए उत्तम शरण गच्छामी सम्मान शरण गच्छामी संगम शरण गच्छे आवाज के साथ भगवान सबम वेतन के जय जय कार करता, भगवान के जय जय कार करता, बिहार सरकार के चले था लालू प्रसाद यादव की लक्ष्म पर पुरुषान करूंगा। और Thank you.
Thank you.
उठने पर आभारी है। देश और विदेश से जितने भी हमारे लोग आए, हमारे पूज्य संतरेश्वर साई, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और ये उनसे कामना लेते हैं, खास हमारे पूज्य मंत्री से कि हमारा भविष्य सुजलमय हो और शिक्षा भी यही है कि अब हमने अपने अंदर वो ज्ञान का भी खिला लिया है जिसकी आवश्यकता थी और आपको सिद्धांत हमने अपना लिया है। अब मैं सारे कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि जो पंच धर्म विचार समारोह की समिति की तरफ से सबको पुरस्कृत करने का हम लोग ने निर्णय लिया है, हम हर एक कलाकार को 100 रुपया का इनाम देते हैं और कुछ रामोदी अशोक कुमार सिन्हा स्नेह लालजी प्रसाद उस साइड से है सामने से लालजी आने के लिए बाप मेरा फोन जरूरत है बाप रेखा सिन्हा राम रमेश आने वाला है एक मिनट इधर ईच बाई ईच रमेश जी विजय कुमार विजय हाँ इधर सामने फेस करते हैं सामने सामने इधर दिखाइए ना सलवा कुमार ऐसे मुन्नी ऐसे घूम जाओ घूमो घूम जाओ इधर ही तू ऐसे सामने सामने एल प्रकाश ही तू मुझे ओम प्रकाश एक मिनट जाओ तू ओम ऐसे फेस कर ले ले ये देख लो ऐसे ऐसे सामने कैमरे की तरफ ऐसे घूमो ना ऐसे ये देख लो जितेंद्र सामने श्री भोला जी श्री भंडारी जी दूसरे हैं विनोद कुमार तिवारी और धीरज ठाकुर जिनका आपने हवा उधर नहीं सुना विनोद कुमार तिवारी एंड धीरज ठाकुर साइड हो जाएगा साइड हो जाएगी भगवान अच्छा ये थे हमारे कलाकार जिन्होंने यहाँ आके इस दीक्षा समारोह की शोभा को बढ़ाने का अनुक्रम अभी चलेगा। दर्शक लोग जो करना चाहते हैं रहेंगे इसका अनुक्रम अभी चलता रहेगा। हमारे बुजुर्ग सभी मंच